जय श्री कृष्णा। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिवासर यानी कि भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत, यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी ज़्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। हरिवासर यानी कि एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या, तीर्थस्थान या किसी अन्य तरह के पुण्याचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती है। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है, वो मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर परमधाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। कात्यायन स्मृति में जिक्र किया गया है कि 8 साल की उम्र से 80 साल तक के सभी स्त्री पुरुषों के लिए बिना किसी भेदभाव के एकादशी में उपवास करना अच्छा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप खत्म हो जाते हैं और इससे पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वर्ष 2023 की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी होगी। वर्ष 2023 में मोक्षदा एकादशी की तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और वहीं इसकी समाप्ति 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी 2 दिन पड़े तो ऐसे में गृहस्थ संप्रदाय वाले लोग एकादशी व्रत उदया तिथि के दिन करते हैं एवं वैष्णव संप्रदाय वाले लोग एकादशी का व्रत अगले दिन करते हैं। इसीलिए इस बार गृहस्थ संप्रदाय वाले लोग एकादशी व्रत 22 दिसंबर 2023 के दिन करेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय वाले लोग यह व्रत 23 दिसंबर के दिन करेंगे। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले लोगों के लिए व्रत के पारण करने का समय 23 दिसंबर को 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच होगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय वाले लोगों के लिए व्रत पारण का समय 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच होगा। मोक्षदा एकादशी उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करते हैं। अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पित करने से उसके भी सभी प्रकार के पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। ये अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसको अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए बैठे एवं एक चौकी लगाए, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाए, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखे। साथ ही भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक अर्पित करे। उसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप प्रज्वलित कर दिखाए। साथ ही भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें और इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें भगवान को केवल सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें और साथ ही भगवान विष्णु को पीले पकवानों का भोग लगाएं, जैसे कि बेसन के लड्डू। इसके बाद भगवान की आरती करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करें। साथ ही इस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें। इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए एवं जितना संभव हो उतना हरि नाम का जाप करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानश नामक एक राजा रहता था। एक दिन वह सपने में देखता है कि उसके पिता नरक में है और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा है कि वे नरक में पड़े हुए हैं और वे यहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। तब राजा ने कहा कि उसने जब से यह स्वप्न देखा है तब से वह बहुत ही परेशान और चिंतित है। कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए जिससे कि मैं अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सकूं। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक अच्छा पुत्र वही है जो अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। राजा की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। अगले दिन राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँच गए।
उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। तब पर्वत ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बातें पर्वत ऋषि को बताई कि किस तरह से उन्होंने स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सोतन के कहने पर उसने दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से ही वे नर के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, कृपया करके मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से समर्पित कर दो। इससे तुम्हारे पिताजी को नर्क से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर राजा अपने महल में चले गए। और जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उसने पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से उसके पिताजी मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग लोक को चले गए। कहते हैं कि इस व्रत को जो भी करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को करके किसी और को समर्पित करना चाहते हैं तो उन्हें भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने से पितर भी बहुत खुश होते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिए।